मुझे एक चीज की खुशी है कि इस मूवी को देखने के बाद मैं जिंदा हूं। मेरे शरीर का हर हिस्सा सही ढंग से काम कर रहा है, बट हाँ थोड़ा ज्यादा सर में दर्द है, बट कोई ना, वो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इंदु की जवानी मूवी के बारे में। मुझे बस एक चीज समझ नहीं आ रही, इस टट्टी मूवी को थिएटर में रिलीज करने की क्या जरूरत थी यार। ये तो एक ऐसी मूवी है कि भाई अगर आपको इसको मूवी देखने के लिए मतलब आपको पैसा दिया जाए कि भाई ये मूवी देखो, जब मूवी देखोगे तो आपको पैसा मिलेगा, तब भी कोई मूवी ना देखे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ यार, देखो इसके पीछे एक रीजन है, टेंशन ना लो, वो सारी बातें मैं क्लियर कर दूंगा, बस तुम इसमें इस वीडियो में ध्यान से सुनो। इस मूवी को डायरेक्ट किया अभीर सेन गुप्ता ने। मुझे लगता है कि भाई साहब के दिमाग में कोई ना कोई दिक्कत चल रही है, मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ, क्योंकि इनकी अगर आप एक वेब सीरीज देखो कुछ टाइम पहले एमएक्स प्लेयर पर रिलीज की गई थी, पति पत्नी और पंगा, जिसके अंदर वही अपनी घटिया मानसिकता इन्होंने प्रदर्शित किया और वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट इन्होंने इस मूवी के अंदर घुसेड़ दिया है। इसके अंदर कास्ट है कियारा आडवाणी, आदित्य सिंह, अंशुमन भगत और भी अन्य कलाकार। अब अगर इस मूवी की कहानी की बात करें या फिर कहूं कि इस कचरे की बात करूं, तो एक इसमें एक इंदु नाम की एक लड़की होती है जो सिर्फ और सिर्फ सेक्स करना चाहती है। मतलब ये कितना यूनिक सा कॉन्सेप्ट डाला है ना, ये करना है उनको और इससे बहुत ज्यादा फनी बन जाएगी चीजें, बहुत यूनिक सा कॉन्सेप्ट, हमने तो ऐसा कभी सुना भी नहीं था। चलो खैर छोड़ो छोड़ो, तो ये अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसके साथ मतलब ये सब करने के लिए, और वहां जाती है तो ये देखती है कि इसको बॉयफ्रेंड इसको चीट कर रहा है, तो ये एक ऑनलाइन जो टिंडर विंडर जो भी चीजें होती हैं वहां पर जाके ये किसी लड़के को अपने घर पर बुलाती है। ये एक पाकिस्तान से होता है, इसका नाम होता है समर, और ये बहुत ज्यादा नेक दिल इंसान है, बहुत एक अमन पसंद देश से है, मतलब पाकिस्तान एक अमन पसंद देश है, सबसे बड़ा मजाक तो यही था यार। और साथ ही साथ एक टेररिस्ट भी आ चुका है इसी के घर में या फिर इसी शहर में, जो इन तीनों को लेकर कि इन्होंने खिचड़ी मतलब खिचड़ी तो क्या कहूं, एक रायता फैलाया गया और उसके ऊपर इन्होंने उल्टी की गई है। अब तुम समझ सकते हो कितनी वाहियात मूवी है ये। अब सबसे पहले देखो इसके जोनर की बात करूं, तो जिसके अंदर इन्होंने कॉमेडी रखा है ना यार, अगर उसकी सही ढंग से बात करूं तो यार कहीं से भी अगर तुम्हें लगता है कि सेक्स की बातें करके इस तरीके की तुम लगोगे लगेगा हां वो इसके साथ करना चाहते थे, वो झंडा गाड़ना चाहते, ऐसे वाहियात तुम चीजें करोगे और वाहियात सीन दिखाओगे, उससे फनी एक्ट बन जाएगा, लोगों को हंसी आएगी, बिल्कुल भी नहीं, लोगों को गुस्सा आता है इस चीज पे, ये देखकर कि यार क्या देख रहे हैं, ऊपर से वो रुपया देखकर वो मतलब वो थिएटर में बैठकर इस चीज को झेल रहे हैं कि क्या है ये। अब फिर इसके बाद आती है मेन चीज जिन्होंने पाकिस्तान का इसके अंदर कॉन्सेप्ट डाला है। मुझे कोई ये नहीं है कि मैं पाकिस्तान से चिढ़ता हूं, नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, बट इस मूवी के अंदर जैसा दिखाया गया कि हाँ भारत जो है वो लड़ाई करने पर आता है, भारत ये चीजें समझ नहीं रही यार, दोनों चीजें ये दोनों देश ये चीजें समझ नहीं रहे, तुम यार तुम क्या बताना चाहते हो लोगों को कि हाँ भारत ये चीजें समझता नहीं है कि लड़ाई में कुछ नहीं है, अमन पीस रखनी चाहिए। तुम किस देश को सलाह दे रहे हो, इस देश में इतिहास भी पढ़ा है तुम लोगों ने इस देश का कि ये देश कैसा रहा है, और पाकिस्तान जैसा देश जो चीन के टुकड़ों पे पलता है, जहां के लोगों को इवन ये तक नहीं पता कि उनका देश जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी रैंकिंग रखता है, जो ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है, जो उसके उसके देश में कोई भी दूसरे देश का वहां पे आके इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। पाकिस्तान एक ऐसा देश जिन्होंने अपनी जमीन को सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देने, टेररिस्ट को वहां पालने, ट्रेनिंग देने के लिए उसके लिए यूज की है। आए दिन वो सीज फायर का उल्लंघन करता है, और जो एक खुद एक रिलीजियस कंट्री है वो हमारे देश को सेक्युलर भारत को वो ये मतलब क्या नसीहत देने की कोशिश कर रही है। बॉलीवुड वालों की सोच है जो पाकिस्तान को इतना अच्छा इतना अमन पसंद और इतना प्यारा देश दिखा रहे हैं, अबे शर्म करो यार थोड़ी सी। तो मुझे लगता है कि अभीर सेन गुप्ता ने सच में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है, मुझे इतना ही उनके पास ज्ञान है, और जितना इंसान के पास ज्ञान होता है वो उतनी ही बातें करता है और उतनी ही उतने मतलब अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग ही वो मूवी बनाता है और जिन्होंने ये बनाई है। अरे किस देश को तुम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो, क्या प्रमोट कर रहे हो, पाकिस्तान जैसे देश को तुम अच्छा दिखा रहे हो एज कंपेयर टू भारत के मामले में। पाकिस्तान जैसे देश को इतनी भी अकल नहीं है कि जब इंटरनेशनल मीटिंग होती है जहां पर बहुत सारे देश बैठते हैं तो अपना जो नक्शा है वो भाई साहब उसका भी यूज नहीं करना होता, अपने पीछे कहीं पर भी नहीं लगाना होता, लेकिन ये इनको तो प्रोटोकॉल तक नहीं पता। जो अभी कुछ हाल फिलहाल में अजीत डोवाल ने इस प्रकार की जो मीटिंग थी उससे वो बाहर निकल गए थे कि भाई इन बेवकूफों को पहले जाकर मीटिंग में जो प्रोटोकॉल होते हैं उनको मतलब मानना तो सिखाओ यार, ये बालक कर क्या रहे हैं। और आज तक पूरी दुनिया में कश्मीर की आजादी का जो ढिंडोरा पीट रहे थे कि ये दो पीओके जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को ये कहते थे कि ना ना ये तो एक आजाद कश्मीर है, और अभी हाल फिलहाल में जिन्होंने अपना नया नक्शा जारी किया जिसके अंदर अपनी ही टेरिटरी दिखा दी कश्मीर को और जो इनकी मंशा है वो पूरी दुनिया के सामने आती है, तुम उस देश को कह रहे हो कि अमन पसंद बहुत प्यारा देश है लड़ाई नहीं करना चाहता, तो ये वाह यार तुम
गुस्सा तो बहुत, कसम से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ऐसे ऐसे ये लोग बैठे हैं बॉलीवुड के अंदर, ऐसी ऐसी मूवीज को बनाकर भारत में ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तुम पढ़ लिख कर बना लिया करो, गवार हो गया तुम लोग। और इससे भी ज्यादा, जो इन्होंने करतारपुर कॉरिडोर खोला था कुछ टाइम पहले जो है, वो वहां पर किस रीजन से खोला गया था बकायदा मुझे नहीं लगता कि अभीर सेन गुप्ता ने उसके बारे में कुछ पढ़ा है, कुछ रीजन कुछ उन्होंने कुछ निकाल, नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि यार ये बेवकूफी इंसानों वाली हरकतें इसमें की गई हैं। देखो, बोलने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो सही है या फिर ये सही टाइम है कि हाँ भी मैं उस देश के बारे में कुछ अलग चीजें मैं आप लोगों को बताऊं। मैं अभी फिलहाल बात करना चाहता हूं इस मूवी में जो इतनी गलत इंफॉर्मेशन और गलत ढंग से रिप्रेजेंट किया गया है, जहां पर तुम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो और क्या मतलब भारत को तुम किससे कंपेयर कर रहे हो। अरे अपना ही बालक है पाकिस्तान, मतलब भारत से ही निकला हुआ है, तो तुम बाप को एक बेटे से कंपेयर नहीं कर सकते। बाप बाप होता है और बेटा 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 पाकिस्तान है, समझ रहे हो ना इस चीज को। और अब अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की, तो देखो यार परफॉर्मेंस में मुझे लगता है कि ऑस्कर मिलना चाहिए कियारा आडवाणी को, जिन्होंने मतलब ऑस्कर जो वाहियात एक्टिंग कर सकते हैं ना उसके अंदर इनको बेशक कह सकता हूं कि हाँ ऑस्कर मिल जाएगा। और एट द एंड मैं यही कहूंगा यार, कोई जरूरत नहीं है इस मूवी को देखने की। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 0 out of 10 सर। अगर किसी ने मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना और मुझे बताना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी, और जिन्होंने नहीं देखी जैसा मैंने कहा तो यार तुम छोड़ो यार, ये जिसके अंदर ऐसी ऐसी वाहिया चीजें दिखाई, तुम्हारा ही दिमाग खराब होगा, तुम्हारे रुपए खराब होंगे, तुम्हारा टाइम खराब होगा, बहुत सारी चीजें मतलब तुम गवा के आओगे, कुछ नहीं पाओगे, एक चीज पाओगे सर में दर्द। तो जो छोड़ो इस चीज को। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।